हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने घर में अच्छे से होंगे और खुश होंगे। सो गाइस, अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में ब्रोकली की सब्ज़ी। और जो ब्रोकली की सब्ज़ी होती है ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। वैसे तो ना ब्रोकली की सब्ज़ी जो है ना, सिर्फ नमक के साथ भी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी लगती है। बट लेकिन मैं अब हस्बैंड के लिए, ऑफिस के लिए बना रही थी, तो इसमें थोड़े से मेरे को मसाले भी ऐड करने थे। तो यहाँ सो गाइज, मैंने देखिए गोभी को जो है कट कर लिया है। और कट करने के बाद मैंने एक तरफ रखा था गरम पानी, क्योंकि मैं जब भी गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, ये वाली हो या दूसरी वाली गोभी हो, तो मैं उसको गर्म पानी में ज़रूर धोती हूँ। और साथ के साथ मैं अपना जो है किचन का भी काम करती रहती हूँ। सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है, सबका ही होता है हैक्टिक, मेरा ही क्या होगा, सबका ही हैक्टिक होता है। आप लोगों का कैसा रहता है एंड आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो मेरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी करिए एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए। तो इधर मैंने जो है प्याज को लंबा लंबा चॉप कर लिया है। इसमें मैं कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ ब्रोकली की सब्ज़ी में। वैसे तो इसमें अगर हम नमक भी डाल के बनाएंगे तो अच्छी बनेगी, बट मैं ऑफिस के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है एंड उसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का ऑयल डाला, और उसके बाद जो है मैंने इसमें प्याज डाल दिया था। और प्याज मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं हींग डालना तो भूल ही गई थी, तो हींग भी मैंने ऊपर से डाल दी थी। इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे प्याज को। तो यहाँ मैंने प्याज को अच्छे से सॉटे कर लिया है एंड इसके बाद मैं इसमें अपनी जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और वो डाल दी मैंने ब्रोकली की सब्ज़ी, और ब्रोकली ऐड कर ली है। और पहले हम लोग ना ब्रोकली की सब्ज़ी को नहीं ज़्यादा खाते थे और मुझे उसका टेस्ट भी नहीं इतना पता था कि कैसा होता है, बट अब हम लोग खाते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसको हफ्ते में एक दो बार बना लेती हूँ हस्बैंड के लिए। और यहाँ मैंने जो गैस की फ्लेम है थोड़ी सी हाई रखी है, जिससे कि सब्ज़ी जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। लेकिन अगर आप लोग मेरा ध्यान ना दें तो तेज़ कभी हाई फ्लेम पर नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ देखिए ये गाइस, मैंने ना स्प्राउट्स घर में ही तैयार करके रखे हैं और इस बार के स्प्राउट्स बहुत ही अच्छे मेरे बने हैं, क्योंकि मैंने इसको हल्के गुनगुने पानी में बनाए थे। नहीं तो हर बार क्या होता था कि कुछ दाने ना कच्चे कच्चे से रह जाते थे स्प्राउट्स के। तो यहाँ मैं हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही हूँ सुबह। जैसे कि सिया की तो आजकल छुट्टियाँ पड़ी हैं तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं रहती, सिया लेट उठती है, तो उसके लिए मैं बाद में बनाती हूँ नाश्ता। यहाँ सिर्फ अभी जो है सिया के डैडी के लिए ही मैं सुबह सुबह जो है लंच जो है तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनका जो है साथ साथ लंच भी पैक कर रही हूँ। अब मैं सब्जियों में जो है ना, सब्ज़ी मैंने जो बनाई है उसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मसालों में मैंने यहाँ पर जो है सॉल्ट डाला है, किचन किंग डाला है एंड जो भी घर के बेसिक मसाले होते हैं थोड़े थोड़े डाले हैं। गरम मसाला मैं कम हम खाते ही नहीं हैं, कम खाते हैं। एंड रेड कलर की जो मिर्च होती है ना वो भी हम नहीं खाते हैं, सिर्फ कलर वाली मिर्च डालती हूँ ऑफिस के लिए कि देखने में थोड़ी सब्ज़ी अच्छी लगे। तो यहाँ पर जो है अब मैं सब्ज़ी जब तक पकती है तो मैं यहाँ पर आटा गूंद लेती हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से आटा गूंद लिया और फिर मैं बनाऊंगी रोटियाँ। और लंच मेरा बन के रेडी हो गया है, महेंद्र का जो है मेरे हस्बैंड का, वो लंच बना के मैंने रेडी कर लिया है। और गाइज़ आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ मैं सिया के रेडी के लिए जो है अभी सुबह का वो लंच में तो ले जाते हैं रोटी सब्ज़ी, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट में वो ज़्यादातर मोस्टली दूध ही पीते हैं और कम ही लंच करते हैं, मतलब या तो कुछ हेल्दी ले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो वो दूध ही पीते हैं सुबह के टाइम पे। या कभी कभी मैं पोहा बना लेती हूँ या कुछ जैसे नमकीन सेवैयाँ कुछ इस तरीके का बना लेती हूँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह ना 6:30-7 बजे करीब जो होता है कि सुबह सुबह खाने का इतना मन नहीं करता है किसी का भी। और मेरे हस्बैंड जल्दी जाते हैं तो इसलिए मैं जल्दी बना लेती हूँ खाना पीना सुबह। तो यहाँ बस अब यह है रोटी बनके मेरी रेडी हो गई है। अब मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने फटाफट से है सब्ज़ी जो है, जब तक मेरी हस्बैंड करते हैं ब्रेकफास्ट तो मैं यहाँ पर जो है टिफ़िन पैक करके रख देती हूँ, जिससे कि वो जब तक जाएंगे तब तक उनकी सब्ज़ी जो है ठंडी हो जाएगी। क्योंकि एकदम से गर्म उसमें भी ना ढक्कन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अगर हम गर्म सब्ज़ी में ढक्कन लगाएंगे तो कई बार ऑफिस में स्मेल आ जाती है। तो इसको पहले हम अच्छे से ठंडी करेंगे। मैं यहाँ जो लंच है उसको टेबल में रख देती हूँ।